नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द एग्जाम ऑफ नीट 2019, 2019 में नीट में सवाल पूछा गया। क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई आर आई आर ए एंड आर बी विथ स्पीड वी ए एंड वी बी रेस्पेक्टिवली। Their time period of rotation is the same. What will be the ratio of their angular speed? Option है 1:1, RA:RB, VA:VB या फिर RB:RA। Now, if you look at this question, दो पार्टिकल हैं जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में घूम रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी अलग है, VA VB दिया हुआ है, दोनों का रेडियस अलग है, लेकिन दोनों में एक चीज़ जो कॉमन है वो है उनका टाइम पीरियड। नाउ टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं, टाइम पीरियड T = 2π/ω। नाउ दोनों का टाइम पीरियड सेम होने का मतलब यह है कि वी कैन से TA = TB, यानी कि 2π/ω A विल बी इक्वल टू 2π/ω B, विच एम्प्लाइज ω A विल बी इक्वल टू ω B, यानी कि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी बराबर होएगी, विच मीन्स ऑप्शन नंबर A 1:1 विल बी द राइट आंसर। सो इसका राइट आंसर होएगा 1:1, ω A और ω B बराबर होंगे। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है जो नीट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये अभी तक 3-4 बार यही सेम सवाल पूछ चुके हैं डिफरेंट तरीक़ों से। सो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा।